जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। और ओल्ड पेपर है आपका, व्यापम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम अनअकैडमी के बारे में बता दें आपके लिए कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यहाँ पर फ्री प्लान, जिसमें एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपके पास सुनहरा मौका है। और इसमें आपकी 500 से भी ज्यादा फ्री लाइव क्लास आपकी यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ पर आपके 20,000 क्वेश्चन क्विज है, जो आप प्रैक्टिस टेस्ट है जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, फ्री प्लान में आपके लिए उपलब्ध है। इन सभी फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आपको डाउनलोड करना है एमपी, आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी ऐप, और इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है गोयल एमपीपीएससी व्यापम, और आपके लिए रेफरल कोड के रूप में यूज करना है सुमित जैन। सुमित जैन रेफरल कोड यूज करेंगे तो ये फ्री प्लान का फायदा ले सकेंगी। क्या आप एमपीपीएससी 2020 से क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट करने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पर एक चैंपियनशिप बैच आया है जिसमें आपको, ये चैंपियनशिप बैच है जिसमें यहाँ पर हम आपके लिए बता दें कि अभी इसको आप एनरोल कीजिए। चैंपियनशिप बैच में आपको यहाँ पर थर्ड, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन विनर जो रहते हैं उनके लिए एक महीने का अनअकैडमी के द्वारा फ्री सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपके लिए दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अनअकैडमी के जो बैच है वह कौन कौन से बैच है यहाँ पर। तो हम आपके लिए बता दें कि अनअकैडमी का जो यहाँ पर एमपीपीएससी प्री क्लियर करने का रामबाण कोर्स है आपका 14 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, तो अभी ज्वाइन कर लें। 60 दिन का एक क्रैश कोर्स है जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का सुनहरा मौका है एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए। और यहाँ पर प्री क्लियर करने के लिए बेहतरीन कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ पर 14 जनवरी से, तो अभी ज्वाइन करें। टारगेट एमपीपीएससी प्री कोर्स है, इसमें आपके लिए डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, लाइव एमसीक्यू एवरीडे है, और आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट है, और यहाँ पर आपको टारगेट है एमपीपीएससी प्री 60 दिन का रिवीजन कोर्स है आपका है जो 14 जनवरी से आपका यहाँ पर शुरू हो रहा है। और यहाँ पर क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो अभी ज्वाइन करें। आप मंथ फाउंडेशन बैच जिसमें आपकी प्री मेंस सिलेबस कवर किया जाता है और एमपी के टॉप एजुकेटर है, इसमें आपको लाइव क्लास मिलती है, पीडीएफ नोट्स मिलती है, और वीकली मेगा क्विज भी आपके यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये स्टार्ट हो रहा है आपका 19 जनवरी से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, तो वहां से आप इनको ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो यह क्या है यह आपके लिए बताना है। चार विकल्प है, आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। और क्या है इसका सही आंसर, मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मूलभूत ऑक्साइड आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, वह प्रोटोजोया जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, वह प्रोटोजोया है कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर दो है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, और आपका सही आंसर है युगलीना। युगलीना विकल्प नंबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन है यहाँ पर, प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण है, प्रकाश किस प्रकार की संवेदना का कारण है। क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका दृष्टि। दृष्टि आपका यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प नंबर तीन आपका यहाँ पर सही आंसर है, दृष्टि जिन्होंने बताया उनका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, कि गहरे समुद्र में गोता लगाने वाली वस्तुओं को समुद्र के पानी के क्रिशिंग यानी कि कुचलना प्रभाव के कारण लगने वाले दाब का सामना करना पड़ता है। यह प्रभाव लगता है नीचे की ओर, एक तरफ, ऊपर की ओर, या सभी दिशाओं में, तो यह प्रभाव लगता है। तो आपका सही आंसर है सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में इसका जो है प्रभाव लगता है, तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर पांच है, क्या है क्वेश्चन नंबर पांच, कि जब जस्ता सोडियम
हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करता है तब क्या बनता है, तब क्या बनता है यह बताना, जब जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, सोडियम जिंक कैट और हाइड्रोजन गैस आपका यहाँ पर सही आंसर है, सोडियम जिंक कैट और कैट और हाइड्रोजन गैस आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पर कि क्या है वृक्की की निस्यंद इकाई है तो कौन सी है यह बताना, क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वृक्की की निस्यंद इकाई आपसे पूछा है, यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है, ग्लोमेरुलस आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहाँ पर, काल जब मासिक चक्र रुक जाता है, काल जब मासिक चक्र रुक जाता है तो रजो निर्वृत्ति या आपका रजो दर्शन या ल्यूटियल अवस्था या ऊष्मा काल, तो आपका सही आंसर यहाँ पर जो होगा क्या है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है, रजोनी वृत्ति आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यहाँ पर, खाने में कौन से नमक का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, खाने में कौन से नमक का उपयोग किया जाता है, तो 4 विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं और क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है क्या है राइट आंसर, बिल्कुल सही, सोडियम क्लोराइड आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है, सोडियम क्लोराइड जो है इसका जो नमक है इसका खाने में उपयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्न अधातुओं में से कौन सा ठोस रूप में पाया जाता है, देखिए ये अधातुओं में से वह अधातु बताना है जो ठोस रूप में पाया जाता है, 4 विकल्प हैं आपके यहाँ पर, आयोडीन कार्बन सल्फर या उपरोक्त सभी, तो क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर जो सही आंसर है 9 का उपरोक्त सभी यानी कि आयोडीन कार्बन और सल्फर सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है अपना यहाँ पर कि इनमें से कौन सा विस्थापन का अभिलाक्षणिक नहीं है, विस्थापन का अभिलाक्षणिक नहीं है तो यह बताना है, यह परिमाण तथा दिशा दोनों रखते हैं, यह सदैव धनात्मक होता है, या इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय दूरी के बराबर या कम हो सकता है, यह शून्य हो सकता है, यह आपके लिए बताना है, 4 विकल्प हैं यहाँ पर और इनमें से कौन सा विस्थापन का अभिलाक्षणिक नहीं है, तो सही आंसर है आपका यहाँ पर यह सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल से हल्का होता है, जल से हल्का होता है क्या होता है, यह बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर, आयोडीन सल्फर ग्रेफाइट पोटेशियम, तो निम्न में से कौन सा जल से हल्का होता है, क्वेश्चन नंबर 11 है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है आपका पोटेशियम यानी कि विकल्प नंबर आपका 4 यहां पर सही आंसर है, पोटेशियम आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लें क्वेश्चन नंबर 12 है आपका यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बल दूरी पर क्रिया बल है, निम्नलिखित में से कौन सा बल दूरी पर क्रिया बल है बताना है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर, 4 विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं और आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है राइट आंसर, चुंबकीय बल आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है, चुंबकीय बल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब नहीं उत्पन्न कर सकता, एक आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न नहीं कर सकता है, समतल दर्पण उत्तल लेंस अवतल दर्पण या उपरोक्त सभी एक आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये आपके जो है 4 विकल्प हैं, यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक आभासी प्रतिबिंब नहीं उत्पन्न कर सकता है, तो नहीं पूछा है तो नहीं में आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर, यहाँ पर आपका जो सही आंसर है कि उपरोक्त सभी एक आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकते हैं आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है अगला क्वेश्चन
कि इलेक्ट्रो प्लेटिंग के दौरान शुद्ध धातु निक्षेपित होती है, तो कैथोड और एनोड दोनों पर, या आपका एनोड पर, कैथोड पर, या विद्युत अपघटन सेल के पेंदी पर। तो ये आपके चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर है 24, और 24 का जो सही आंसर है आपका वह है आपका राइट आंसर क्या है, कैथोड पर, यानी कि विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखिए, रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है, यह बताना है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर है 15, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो फुफ्फुसीय सिरा जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है यहाँ पर, कि पवन होती है खालिस्तान वायु, पवन होती है खालिस्तान वायु, गतिशील, गतिशील या ब्राम, ब्राम या इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही आंसर है गतिशील, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, कि देखिए प्रज्वलन ताप वह तापमान है जिस पर ज्वलनशील पदार्थ होता है, इनमें से कोई नहीं, पिघलता है, उबलता है, आग पकड़ता है, ये आपके चार विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 17, और 17 का जो सही आंसर है आपका आग पकड़ लेता है, यह आपका जो है सही आंसर है, आग पकड़ लेता है, विकल्प नंबर है आपका 4 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं केंद्रा खरित लवक कोशिका द्रव माइटोकांड्रिया, तो क्वेश्चन नंबर 18 का है कि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाए जाते हैं, हरित लवक, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपके यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या है 19 में, पदार्थ का सबसे छोटा कण खालिस्तान है, तो कौन सा है यह बताना है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है, तो एक परमाणु, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 एक पदार्थ का सबसे छोटा कण है, एक परमाणु, एक परमाणु, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कि नर में लैंगिक परिपक्वता किस आयु में शुरू होती है, क्वेश्चन नंबर 20 से 4 विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं, क्या है इसका राइट आंसर है आपके लिए यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 का सही आंसर है आपका 13 से 14 वर्ष, आपका विकल्प नंबर 1 जो है सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है यहाँ पर उनका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1। क्या आप ऑलरेडी रिविजन कर रहे हैं MPPSC प्री के लिए, तो यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए बैच कोर्स, जिसमें आपको संपूर्ण ज्ञान बैच कोर्स है, संकल्प बैच कोर्स है, तो आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, और यहाँ पर आपके लिए जो संपूर्ण ज्ञान रिवीजन बैच कोर्स है, आपका, इसमें आपको 270 से भी जो है ज्यादा रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे आपको, और यहाँ पर MP के टॉप एजुकेटर है, 28 दिसंबर से है आपका रिवीजन कोर्स जो है शुरू हो चुका है, यहाँ पर संकल्प MPPSC प्री 2020 के लिए है, जिसमें आपके यहाँ पर ऑल डाउट क्लियर किए जाएंगे, और MP के टॉप एजुकेटर इसमें भी शामिल हैं, और यहाँ पर आपको अगर आपने जो है अपने सपनों को साकार करें, और अनअकैडमी के साथ आप अपनी मेंस की तैयारी करें कंप्लीट, यहां पर आपको MPPSC मेंस से प्रिपरेशन विद आंसर राइटिंग के साथ 35 दिन का आपका कोर्स है, जिसमें आपको मेंस की जो है पूरी तैयारी करवाई जाएगी, स्वप्न पूर्ति बैच कोर्स है, जिसमें आपको इसमें लाइव क्लास मिलेंगी, और PDF नोट्स मिलेंगे, वीकली क्विज, मेगा क्विज है, और आंसर राइटिंग सीरीज भी उपलब्ध है आपके लिए यहाँ पर 35 दिन का कोर्स है। और अगर यहाँ पर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, MPPSC व्यापम सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपके लिए प्लस पर क्लिक करना है, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पर आपके लिए क्लिक करना है, इसके बाद आपको ये जो है अनअकैडमी का कोर्स आ जाएगा, ये जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए 10% डिस्काउंट मिलेगा,
किस प्रकार मिलेगा यह डिस्काउंट, जब आप सुमित जैन रेफरल कोड यूज करेंगे तब आपके लिए 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपके लिए याद रखना है, सुमित जैन रेफरल कोड यूज करें और 10% डिस्काउंट यहाँ पर आप जो है कोई सा भी आप कोर्स खरीदेंगे तो 10% डिस्काउंट यहाँ पर आपके लिए मिलेगा। तो देर किस बात की है, आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिसमें आपको एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित किसी भी परीक्षा हो उसकी तैयारी आप अपनी जो है मजबूत तरीके से यहां से अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहां पर अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहां तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। पीटीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो यहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।